नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं सिमर, वही नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। यमुनानगर में भी दिखा इनेलो बसपा के हिरानंबन का असर। यमुनानगर में फीकी नजर आ रही राहगीरी की चमक। शहर के निजी क्लब में लोकतंत्र सेनानी संगठन की बैठक का हुआ आयोजन। सड़कों के निर्माण कार्य में अनियमितता पाई जाने की शिकायत पर स्टेट विजिलेंस टीम पहुंची यमुनानगर। प्रदेश भर में एस्मा को लेकर कर्मचारियों पर की जा रही है कड़ी कार्रवाई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव तेजली की आंगनबाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यमुनानगर के एमकेएचई वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। 20 से 23 तारीख तक गीता ज्ञान कार्यक्रम का होगा आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर में भी दिखा इनेलो बसपा के हरियाणा बंद का असर। पूर्ण रूप से बंद रहा शहर में कारोबार। बंद को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात। इनेलो लोकदल व बसपा द्वारा SYL सहित तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर शनिवार को हरियाणा बंद रखा गया। बंद को लेकर यमुनानगर के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते शहर लगभग पूर्ण रूप से बंद रहा। शहर को बंद करवाने के लिए सुबह से ही बसपा इनेलो कार्यकर्ताओं की अलग अलग बाजार में ड्यूटियां निर्धारित की गई थी। यमुनानगर में इनेलो बसपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पूर्व विधायक दिलबाग सिंह कर रहे थे। हजारों की संख्या में इनेलो बसपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से बंद में सहयोग देने का आह्वान करते नजर आए। यमुनानगर के रादौर रोड, न्यू मार्केट, जगाधरी रोड, मीराबाई बाजार आदि बाजार पूरी तरह बंद रहे। शहर के प्रमुख भगत सिंह चौक पर कार्यकर्ताओं एवं व्यापारियों की संशोधित करते हुए पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने कहा कि आज का बंद प्रदेश सरकार की विफलताओं के कारण है। मौजूदा सरकार में आज हर वर्ग दुखी है। सबसे अधिक परेशान छोटा दुकानदार एवं व्यापारी है। GST की कठिन प्रक्रिया एवं अफसरशाही से व्यापारियों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दादूपुर नलवी SYL नहर के पानी, बढ़ते पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जनता में गहरा रोष है। बंद ने आज यह दिखा दिया है कि जनता सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ है और यह सरकार को एक चेतावनी है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को सरकार पूरा करे, अन्यथा आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उसका सफाया निश्चित है। वहीं इनेलो बसपा के बंद को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। बंद के आह्वान को देखते हुए धारा 144 के आदेश के अंतर्गत कई पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए कहा गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में 5 व अधिक व्यक्ति या खाद्य पदार्थ से लदी न हो, आंदोलनकारियों के पास लाठी डंडे हों, ऐसे व्यक्तियों को राजमार्ग से ना गुजरने दिया जाए, कोई भी पेट्रोल पंप धारक बिना कागज देखे तेल ना डाले और ना ही किसी कैनी या बोतल में तेल डाले। इन सब को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। आज हरियाणा सरकार सारे वादे के ऊपर अपने फेल हुई है। हरियाणा सरकार ने आज चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, सबको ठगने का काम किया है। आज हरियाणा सरकार जो कहती थी कि भी हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, आज पेट्रोल के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। इसी तरह से जो GST लागू करी, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी ने GST लागू करी है। और आज जो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर है, जो हमारे यहाँ पर SYL का जो पानी हमारे हरियाणा को मिलना चाहिए था, आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज हमारे को, हरियाणा सरकार को, हरियाणा प्रदेश को आज वो पानी हमारे हिस्से का नहीं मिल रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर के जैसे अभी दादूपुर नलवी नहर, जिसको मतलब हरियाणा सरकार ने हमारे यहाँ पर जिला यमुनानगर में किसानों की भलाई के लिए मतलब खुदवाया था, आज उसको बहाल बंद करने का काम आज भाजपा सरकार कर रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि भी दादूपुर नलवी नहर को दोबारा से बहाल किया जाए, और जिसके कारण मतलब हमारा किसानों का लगभग 1 साल से भी ज़्यादा धरना चल रहा है। तो वो धरना हमारा इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा वो धरना चल रहा है। देखिए, पेमेंट हमारे किसानों को पिछले साल की अभी तक नहीं मिली है। जो आज हमारा बंद का मुद्दा है, मैंने पहले बताया भी SYL के पानी को लेकर के और दादूपुर नलवी नहर को लेकर के और महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, शांति प्रिय ढंग से हमने परसों अपील कर दी, सबसे डोर टू डोर जाकर के हमने निवेदन करा था कि परसों आप बाजार बंद करने में हमारा सहयोग करें। और जो अभी तक नजर आ रहा है, व्यापारियों ने हमारा मतलब सहयोग किया है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन का। हम उनसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके उनसे अपील करके, उनसे मतलब रिक्वेस्ट करके दुकानें बंद करवाएं। यमुनानगर में फीकी नजर आ रही राहगीरी की चमक। मंच संचालक का कहना, जनता को समय पर नहीं मिलती कार्यक्रम की सूचना। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त समेत प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। राहगीरी एक सुबह खुशियों की जनता को तनाव मुक्त करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। अब कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि राहगीरी की राहों में जनता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। हर बार की तरह होने वाला राहगीरी कार्यक्रम यमुनानगर में इस बार भी फीका नजर आया। हालांकि इस कार्यक्रम में यमुनानगर के MLA घनश्याम दास अरोड़ा, DSP समेत अधिकारी जरूर नजर आए, लेकिन जिस आम जनता के लिए यह राहगीरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वह कहीं ना कहीं उससे दूर नजर आता दिखाई दिया।
यमुनानगर में हर रागिरी के कार्यक्रमों का मंच संचालन करने वाले अभिमन्यु ने कहा कि पहले से कम लोग दिखाई दे रहे हैं। यह बात मैं भी मानता हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत कम समय में उन्हें बताया जाता है। अगर समय में इस कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए, अचानक से कार्यक्रम का एक दिन पहले पता लगने के बाद पूरे तरीके से तैयारी नहीं हो पाती। वहीं समय पर अगर लोगों को और आम जनता को इसकी जानकारी दी जाए तो रागिरी का कार्यक्रम और बेहतर हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बच्चे इससे जुड़ पाए। अभिमन्यु ने कहा कि इस रागिरी कार्यक्रम में खेल प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ डांस और अन्य प्रतिभाओं को भी बच्चे मंच पर दिखाते हैं। डांस भी कहीं ना कहीं फिटनेस का हिस्सा है, लेकिन रागिरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अगर कुछ समय पहले बताया जाए तो यह कार्यक्रम और बेहतर हो पाएगा। हमारे अभिमन्यु वेरी गुड। क्लैप फॉर देम एवरीवन। वेरी वेल डन गोर्जा। एक्चुअली क्या है कि अभी काफ़ी टाइम बाद ये प्रोग्राम किया गया, बीच में गैप आ गया, कुछ इवेंट्स थे, प्रोग्राम था इसलिए। और सबसे बड़ा रीज़न ये कह सकते हैं हम कि हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट मिलता है, इस वजह से ये दिक्कत आई है। वरना एज सच कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ ठीक रहा है, प्रोग्राम ठीक हुआ है। ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन की वजह से अब नेक्स्ट इवेंट हम एक तो लोकेशन को फिक्स करना चाहते हैं, मेन रीज़न हमारा ये है। लोकेशन अगर फिक्स हो गई तो ये इवेंट बहुत हिट होगा। सर बहुत फ़र्क पड़ा है, मैं मानता हूँ इस बात को। उसका रीज़न यही है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन इज़ द मेन थिंग। इफ वी गेट द प्रायर इन्फॉर्मेशन सो देन ओनली वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। प्रमोशन नहीं हो पाता, लोगों तक रीच नहीं पहुँच पाती। जब तक लोगों तक रीच नहीं पहुँचेगी लोग कैसे आएंगे? तो हम यही चाहते हैं कि आगे से प्रशासन और जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसके अंदर वो हमारे को प्रायर इन्फॉर्मेशन दे ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रमोशन कर सकें, लोगों तक पहुँच सकें। जब लोगों तक रीच होगी तो लोग अपने आप आएंगे। बाकी सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही अच्छी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रायर हमें चाहिए। तो सब कुछ होता है, कल्चरल एक पार्ट है हमारा, फिटनेस। मैं मानता हूँ कि राहगिरी का मोटिव एक फिटनेस है, लेकिन कल्चरल को हमें साथ लेके चलना है। जैसे भंगड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो फिटनेस, जुम्बा है, दैट इज़ ऑल्सो फिटनेस। आप इसको कल्चरल में नहीं काउंट कर सकते। आपको बताया ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका इन्फॉर्मेशन नहीं हमें प्रायर मिल पा रहा। अब उम्मीद है कि अगली बार इन्फॉर्मेशन प्रायर मिलेगा और हम उसके अकॉर्डिंग तैयारियाँ करेंगे और बहुत अच्छा है प्रोग्राम। शहर के निजी क्लब में लोकतंत्र सेनानी संगठन की बैठक का हुआ आयोजन। सरकार से आपातकाल में जेल जाने वालों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिए जाने की मांग। लोकतंत्र सेनानी संगठन की एक बैठक का आयोजन जयप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में स्थानीय जिमखाना क्लब जगाधरी यमुनानगर के प्रांगण में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य 1975 में देश में लगे आपातकाल के समय प्रदेश के देशभक्तों लोकतंत्र सेनानियों का दर्जा देते हुए सम्मान निधि पेंशन देने के रास्ते में आई सभी अड़चनों और विसंगतियों को दूर करते हुए हरियाणा सरकार ने अधिसूचना में संशोधन कर दिया है। बैठक में संगठन के वरिष्ठ प्रदेश महासचिव महावीर भारद्वाज ने बताया कि हरियाणा के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातनाएं सहने वाले राष्ट्रभक्तों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की सम्मान निधि पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसमें किन्हीं कारणों से अधिसूचना में कुछ विसंगतियों के साथ सीआरपीसी की धारा 107 से 151 के तहत गिरफ्तार किए गए लोकतंत्र सेनानियों का विषय छूट गया था, जिसमें पूर्व महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा बातचीत एवं पत्राचार के फलस्वरूप उपयुक्त संशोधन संभव हो सका है। हरियाणा सरकार ने आपातकाल में जेल जाने वाले लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रतिमाह 10,000 रुपये हरियाणा के लोकतंत्र सेनानियों को देने का फैसला किया है। अन्य मेडिकल की सुविधाएं, बस पास यह भी उन्होंने दिए हैं, ताम्र पत्र भी दिए हैं। हम लोकतंत्र सेनानी संगठन के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पूरे देश में इस प्रकार 12 राज्यों ने ऐसे लोगों को सम्मानित किया है, हरियाणा सरकार भी उन 12 राज्यों में से एक ऐसी है जिसने 43 वर्षों के बाद ऐसे लोगों को सम्मानित किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, हम प्रांत स्तर पर उनका अभिनंदन करेंगे, ऐसा निर्णय हमने लिया है। कहाँ और किस जगह पर? अभी स्थान और समय तय नहीं हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश के परिवार सहित ऐसे लोग पूरे प्रदेश के माननीय
प्रमुख बुद्धिजीवी लोग एक स्थान पर एकत्रित करके एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिससे आपातकाल में जो लोकतंत्र की हत्या हुई ये विषय भी जन जन तक जाए, आगे आने वाली पीढ़ी तक जाए, ताकि देश के लिए बलिदान करने के लिए आगे हमारे नौजवान तैयार रहे। हरियाणा में कितने सेनानी हैं? हरियाणा में लगभग 500 सेनानी हैं जो जीवित हैं या उनकी धर्म पत्नियाँ हैं, उन सबको हरियाणा सरकार सम्मानित करने का निर्णय ले चुकी है। सड़कों के निर्माण कार्य में अनियमितता पाई जाने की शिकायत पर स्टेट विजिलेंस टीम पहुंची यमुनानगर। अलग अलग जगहों से सैंपल्स भरकर टेस्ट के लिए भेजे गए मधुबन। भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार जमीनी स्तर पर भी इस दावे को अमल में ला रही है। आज स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पंचकुला से एक टीम यमुनानगर पहुंची, जिसने नगर निगम के द्वारा अनियमितता पाई जाने के कारण दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से सैंपल भरे और अब इन सैंपलों को टेस्ट करने के लिए मधुबन भेजा गया है, ताकि इनकी गुणवत्ता की जांच हो सके। मधुबन से रिपोर्ट आने के बाद सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दीपक गोयल, मैं एक्शन हूँ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पंचकुला में। नगर निगम यमुनानगर के कुछ कार्यों में अनियमितताओं बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके लिए उसकी असेसमेंट और सैंपलिंग के लिए यहाँ पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम आई हुई है। विभिन्न कार्यों की सैंपलिंग और असेसमेंट की जा रही है और इन सैंपल्स को FSL मधुबन में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तदनुसार जैसी रिपोर्ट आएगी उस बारे में सरकार को अवगत कराया जाएगा। प्रदेश भर में SMO को लेकर कर्मचारियों पर की जा रही है कड़ी कार्रवाई। हड़ताल पर बैठे 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव तेजली की आंगनबाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। SMO को लेकर सरकार पूरी तरह सख्त है और प्रदेश भर में SMO लागू होने के बाद भी जो कर्मचारी हड़ताल से नहीं हटे उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यमुनानगर में भी CMO की शिकायत पर हड़ताल पर बैठे 9 बहुउद्देशीय कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 9 कर्मचारियों में से 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जिनमें से 3 पुरुष कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 पुरुष कर्मचारियों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद 6 महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को दी शिकायत में CMO यमुनानगर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग इनके प्रधान बने हुए हैं और कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसा रहे हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं और हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य भी कर रहे हैं, आवश्यक कार्य होने से रोक रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ SMO के तहत कार्रवाई की जाए। कल हमारे पास CMO यमुनानगर की तरफ से कंप्लेंट मिली थी, जिसमें 9 कर्मचारी हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, उनके खिलाफ SMO के तहत मुकदमा दर्ज होने की हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, जिसमें हमने SMO की 2 सेक्शन 5 और 7 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें कुल 9 हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, जिसमें से 3 जेंट्स हैं और 6 लेडीज़ हैं। जो 3 जेंट्स थे उनको हमने, जिनके नाम हैं वीरेंद्र, रोहित कक्कड़ और सुरेश, इनको हमने रात को ही FIR दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी बची 6 महिला कर्मचारी हैं, उनकी ब्याज अरेस्ट के लिए हम वेट करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव तेजली की आंगनबाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, विजेताओं को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में महिला एवं बाल विकास परियोजना के गांव तेजली की आंगनबाड़ी में खंड स्तर का राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CDPO प्रवीण छाबड़ा द्वारा की गई। इस मौके पर सीमा शर्मा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महिलाओं, किशोरियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से लो कॉस्ट रेसिपी व स्लोगन प्रतियोगिता शामिल थी। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जैसा कि हर साल जो है 1 से 7 सितंबर तक पोषाहार सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये स्पेशल इसलिए है कि जो है भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया था कुछ माह पहले, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसमें ये पूरा महीना ही पोषण माह 1 से 30 सितंबर जो है तक जो है वो पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है और 1 से 7 सितंबर जो है वो PMMBY सप्ताह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह, जो कि जिसका लाभ हम आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं प्रेग्नेंट मदर्स को, उसको मनाया जाना है। और इस एक सप्ताह में जो है वो मैक्सिमम केसेस जो है वो कवर किए जाने हैं। PMMBY का मैं बताना चाहूँगी,
कि इस पे टोटल 6,000 का लाभ एक प्रेग्नेंट मदर को दिया जाता है जिसकी फर्स्ट डिलीवरी हो, जिसमें से 1,000 तो जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हॉस्पिटल में डिलीवरी मदर कराती है तो वहाँ मिलता है, 5,000 का हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है 3 किश्तों में। 150 दिन के अंदर अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती है प्रेग्नेंट मदर तो उसको पहली किस्त 1,000 रुपये की मिलती है और सेकंड किस्त मिलती है जब वो अपना स्वास्थ्य जांच करा लेती है और टेटनस का टीका लगवा लेती है तो उसको 2,000 उस पर मिलेगी। और थर्ड जो है आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चे को इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 2,000 उसमें लाभ है। और ये ऑनलाइन स्कीम है, ऑनलाइन अपलोड करते हैं हम लोग और डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा भारत सरकार से आता है, भारत सरकार की स्कीम है ये, तो इसमें कोई कैश का लेन देन नहीं है और मैनुअल नहीं है, ये ऑनलाइन है ये सारी स्कीम। इसके अलावा जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जैसे पहले हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन बनाया, आज मैं समझती हूँ कि हर एक बच्चे बच्चे को बताया कि कोई स्कीम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही जो पोषण का कार्यक्रम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको भी जो है सरकार ने चाहा है कि जन आंदोलन बनाया जाए, जन अभियान बनाया जाए ताकि एक तो जो है अवेयरनेस आए लोगों में और एक जो है पोषण स्तर, जैसे कि हमारी उससे सेक्स रेशो इम्प्रूव हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, इसका मकसद है कि पोषण स्तर जो है सभी लोगों का, सभी बच्चों का, मदर्स का, वो सही, जो भी किसी में डेफिशिएंसी है वो ना रहे, यही कोशिश है और पोषण स्तर में सुधार आए। आज के कार्यक्रम में हमने एक तो सस्ती और पौष्टिक आहार के उसमें रेसिपीज़ का कंपटीशन रखा था जिसमें कि हमारे 3 विनर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने निकाल दिए हैं। इसके अलावा हमने स्लोगन कंपटीशन जो कि चार्ट पे बनाया, चार्ट मेकिंग कह लो या स्लोगन, वो रखा है, वो भी इसी विषय पे है, थीम यही है पोषण का। और इसके अलावा आज सुबह से हमने जो भी इनको जानकारी दी उसका लास्ट भी हमने क्विज करवाया है, उसी बारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इनको कितनी जानकारी इन्होंने ग्रहण की है, कितना इन्होंने ध्यान से सुना है और बड़े अच्छे अच्छे जवाब आए हैं उसमें भी। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम इसको जन आंदोलन बनाने में सफल होंगे। यमुनानगर के सिटी पुलिस स्टेशन में MPHE वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन, गिरफ्तार कर्मचारियों को रिहा करने की है मांग। एस्मा के तहत 3 बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद कर्मचारियों का गुस्सा जमकर फूटा। यमुनानगर के सिटी पुलिस स्टेशन में बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथ पुलिस स्टेशन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तार कर्मचारियों को रिहा करने की मांग की। करीब 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से SHO नरेंद्र राणा ने बात की कि एस्मा के तहत ये कार्रवाई की गई है। यमुनानगर सिटी पुलिस स्टेशन में थाली बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस वालों ने रात को 11:30 बजे 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया और दीवारें फांद कर घर में घुस गए और उसके बाद उनसे फ़ोन भी छीन लिए गए ताकि उनसे किसी भी तरह से संपर्क ना किया जा सके। हमें तो इस मामले की जानकारी सुबह मिली और जब हमें पता लगा हमने हरियाणा कर्मचारी संघ को बताया, अगर पहले पता होता तो हम रात को ही अपने कर्मचारियों को पुलिस थाने से छुड़वा लाते। हमारी मांग थी कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको रिहा किया जाए। जब SHO साहब से बात करने के लिए बुलाया और कहा हमें सरकार के और यमुनानगर CMO के आदेश हैं, हमने उसी के तहत कार्रवाई की है और अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी भी बाकी है जिसमें महिलाएं शामिल हैं, तो हमने उनको बोला 6 की बजाय 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम सब गिरफ्तार होंगे, हमारे साथ सारा भाईचारा खड़ा है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और ना ही गुंडागर्दी की है, हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, हम एक संगठन का काम कर रहे हैं, आप सारे संगठन को भी गिरफ्तार करो। ये तो रात को 11:30 बजे हुई है उनकी गिरफ्तारी और दीवारें लाम के हुई है, उनसे फोन भी ले लिए गए, फोन पे उनसे बात भी नहीं की गई, हमें तो ये सवेरे पता चला सर, तो जब हमें पता चला हमने अपने भाईचारे को बताया, नहीं तो हम रात को ही अपने भाईचारे को इकट्ठा करके यहाँ से निकलवा लेंगे। तो SHO साहब कहते हैं कि सरकार के आदेश हैं और आपके CMO के आदेश हैं, कहते हैं हमने 6 को और गिरफ्तार करना है, हमने कहा कि 6 की बजाय हमारे सेक्टरों के संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं तो इनको सबको गिरफ्तार कर दो, गिरफ्तार होंगे, हमारे साथ सारा भाईचारा, हमने कहा कि हमने कोई भ्रष्टाचारी नहीं फैलाई, गुंडागर्दी नहीं करी, कोई हमारे घर का काम नहीं है, ये एक संगठन का काम है, सारे संगठन को गिरफ्तार कर लो सर, सारे गिरफ्तार होंगे, हमारा भाईचारा ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिसके साथ 112 कर्मचारियों का संघ है और महासंघ है, वो सारा हमारे साथ जाने के लिए तैयार खड़े हैं।
20 से 23 तारीख तक गीता ज्ञान कार्यक्रम का होगा आयोजन। शहर से जगह जगह पर निकाली जा रही है प्रभात फेरियां। Yeah.
हुए आज यहाँ विश्राम ले रहे हैं। आज प्रभु की इच्छा ऐसी ही थी, अदरवाइज वैसे तो कहीं और प्रोग्राम हो चुका था, मगर दो रोज पहले ऐसा प्रोग्राम बना कि ठाकुर जी की यही इच्छा बनी कि यही विश्राम करेंगे। तो ये प्रभु की कृपा है, उसकी माया वही जानता है कि उसने विश्राम कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। ये उसकी प्रभु की कृपा ही थी जो आज यहाँ, क्योंकि जहाँ भाव होता है ना ठाकुर जी वहीं रुकते हैं, यह परिवार का भाव था, आज यहाँ ठाकुर जी ने आकर के विश्राम कर लिया। तो यह भाव की बात है, भाव इसी तरह परिवार का बना रहे, प्रभु चरणों में इनकी कृपा बनी रहे, इनका जो भाव है इसी तरह। वैसे भी यहाँ गुरुओं की असीम कृपा है, गुरुदेव भी पिछले 2 साल पहले यहाँ गुरुदेव ने विश्राम किया था, और अभी इनके साथ के साथ दीवार मिलती है तो एक ही होती है, एक ही परिवार है, एक ही बात हो रही है, क्योंकि बिल्कुल दीवार के साथ दीवार मिल रही है। वैसे तो पहले कहूंगा कि तो उसमें से दरवाजा निकाल लो, तो गुरुदेव आज इन्हीं के यहाँ समझो के विश्राम कर रहे हैं। 4 दिन कथा के दौरान दिए हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। सुबह 3 उठते ही 3 श्लोक, सुबह उठते ही 3 श्लोक, दोपहर में भोजन से पहले 3, रात्रि में सोने से पहले, जो संस्कृत में भी है और उसका हिंदी अनुवाद भी है। उसके साथ ही सद्भावना प्रार्थना, जो पूरी गीता का सार है। आज किसी के पास समय नहीं गीता पूरी पढ़ ले, अगर पढ़ ले तो उसको समझ ले, तो गुरुदेव ने कुछ लाइनों के अंदर पूरी गीता का सार डाल दिया है, उसका भी हम यहाँ उच्चारण करेंगे। अगर हम उससे भी चल पड़े, उसको भी अपना ले, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। रात्रि में सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हुए सोए, योग ना कुछ किया मैंने ना मैं करने योग, जाने अनजाने में कोई गलतियां भी हो गई होंगी, इन हाथों से किसी का बुरा भी हो गया होगा, इस वाणी से किसी को। आज की गति में बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।